सेलिब्रेशन कर रहे हैं मगर विद ऑल प्रोटोकॉल्स. अभी खाली इस बाइट्स के लिए और केक कटिंग के लिए हमने मास्क उतारा है, अदरवाइज दे वॉन्ट डू अ बिगर्स है, मतलब वी वुड हैव डन, मगर हमने डिसाइड किया जो यूनिट है, जो हमारे एक्टर्स हैं, सारी टीम है, उनके साथ एक छोटा सेलिब्रेशन करते हैं. थैंक्स गिविंग करते हैं और खुशी हो रही है कि आज एक अच्छा दिन है. अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ मैं, अपनी मदर के साथ और ये फैमिली जो मेरी अनुपमा है उनके साथ स्पेंड कर रहा हूँ. बर्थडे की शुरुआत आज है एंड आज विद गॉड्स ब्लेसिंग्स हमारे शो की हाईएस्ट टीआरपी, इट वाज डूइंग वेल, बट हाईएस्ट टीआरपी 3.8 अनाउंस हुई जब मैं केक काट रहा था, तो आई थिंक ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है. तो वी नीड ऑडियंसेस ब्लेसिंग्स एंड विशेस. कैसे ना, बहुत खूबसूरत है ये तो शुरुआत है सफ़र की. जब शो स्टार्ट किया था तो मैंने पहली बार एक हमने नई कंपनी की शुरुआत करी डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के बाद शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड. ये मैं कंपनी में को प्रोड्यूस कर रहा हूँ अनुपमा शो अपनी मदर दीपा शाही के साथ. तो शुरुआत अच्छी हुई, ऑफकोर्स थोड़े उतार चढ़ाव आए, बट आई थिंक फॉर द बेस्ट है बिकॉज टीम में एक बहुत अच्छा जज्बा था और एक दूसरे के लिए बहुत बिलीव था कि हम साथ में, मतलब हमको पता नहीं टीआरपीज क्या आने वाली थी, लॉकडाउन के बाद लोग शो देखेंगे कि नहीं. एक हाउसवाइफ की कहानी लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, हमको 90% लोगों ने कहा था नहीं देखेंगे, ये क्या है लॉकडाउन के बाद अब एक हाउसवाइफ, कुछ यंग लव स्टोरी दिखाओ, थोड़ा गेम मिक्स करो, बड़े बड़े सेट्स बनाओ, रोना धोना ड्रामा करो. बट ये हमारी टीम की कन्विक्शन थी, सारी टीम मेंबर्स की कन्विक्शन थी कि नहीं अनुपमा शो बनाएंगे, अपने कन्विक्शन से बनाएंगे. जो जिस तरह के शोज चल रहे हैं अभी उसके बिल्कुल विपरीत लॉकडाउन के बाद हमने ये शो बनाया एंड थैंक यू टू द ऑडियंस कि आज हमें उनका प्यार मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है. Blessing is a work to continue as it is and it will grow, the show will grow much higher in TRPs. बिकॉज ये एक वैलिडेशन हो जाता है फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन. यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर सो मच टाइम, यू हैव मेड अ न्यू फैमिली, बट ऑल्सो यू मिस योर चाइल्ड एंड ऑल एट होम. बट ये एक वैलिडेशन है और एक इनकरेजमेंट है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो इतना सारा प्यार मिल रहा है तो जो कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से, उतनी ऑनेस्टी के साथ करते रहो. 5th September 2000 दिल है कि मानता नहीं लॉन्च्ड एंड दैट वाज माय फर्स्ट शो एज ऑन टेलीविजन एज एन एक्टर एंड ही वाज माय डायरेक्टर. इट वाज हिज फर्स्ट शो एज अ डायरेक्टर. डेब्यू शो था मेरा. हाँ, हम दोनों का डेब्यू. सो वहाँ से जो आई थिंक तब जो पोटेंशियल इन्होंने मुझ में देखा, वो आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उन्हें सही प्रूव कर सकूं. और आपने जो पोटेंशियल मुझ में देखा, क्योंकि रूपाली जब मैं पहली बार मिला तो रूपाली वाज लिटिल हेजिटेंट टू मेक अ कमबैक. मैंने कहा था राजन, आई मीन शी इज अ वेरी वेरी टच व्हाट आई हैव रियलाइज वन a beautiful family she has, Ashwin and I met her son and all, a beautiful knit family, and she said Rajan abhi main kaam karu nahi karu, you know, like you have your other responsibilities. So I was all the time ki abhi Rupali karegi nahi karegi, but isliye main kehna chahunga ki jitna unhone support kiya unki family ne, Ashwin, everybody really supported us and believed in us, you know, that yes we will create a show for the family and thank you. मुझे सबसे ज़्यादा इन पर बिलीव था बिकॉज द वे ही टोल्ड द स्टोरी. जब कोई नरेटर आपको स्टोरी सुनाता है, व्हेन यू आर हुक्ड ऑन टू दैट नरेशन, तो जब वो देखेंगे तो वो उससे ज़्यादा ही बढ़कर आएगा. Definitely. तो इतना बिलीव था कि ये जिस तरह से ये स्टोरी बोलेंगे, जिस तरह से ये ले आएंगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को इस स्टोरी से कनेक्ट होना ही है. और तब टीआरपी वगैरह ये सब नहीं सोचा था, यही सोचा था कि ऑनेस्टी से पूरी शिद्दत के साथ ये काम करना है, जो ये भरोसा मुझ में कर रहे हैं ये रोल देकर. एट 40+ यू आर प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड जब वो इतना भरोसा कर रहे हैं तो इनका भरोसा चाहे कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं. एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड इज सैक्रिफाइसिंग सो मच, स्टेइंग एट होम, टेकिंग केयर ऑफ होम एंड हर्थ एंड सेंडिंग मी हियर टू डू समथिंग दैट आई लव, that probably I deserve as an actor. उन्हें proud feel कराना था मुझे. So it was for these two men, इनको इनका भरोसा नहीं तोड़ना था और उनको अपने आप पर proud feel करवाना था. Thank you award is a validation of the hard work and the efforts that the entire team puts in. I am just the face. So it is from my director to my DOP to
द एंटायर यूनिट हाउ हार्ड दे वर्क दे आर प्रॉब्ली ईयर बिफोर वी एक्टर्स कम द राइटर्स द सो मच ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग दे डू बिफोर द सीन्स कम टू अस सो एक्टर्स आर अ वेरी स्मॉल पार्ट दे आर जस्ट द फेस ऑफ अ शो दैट सो मच एफर्ट्स गो इन टू मेकिंग अ शो सो थैंक यू सो मच एनी अवार्ड इज अ वैलिडेशन ऑफ everybody's rajan sir ko main yahi kehna chahungi I wish him health I wish him happiness and I wish him all that he's wished for and much much more ntrps ntrps his favorite show is I'm biased also but I know that your favorite show is anupama yes so my favorite show is jaan hai but ये रिश्ता कहलाता है इन अनुपमा टू ऑफ द लाइक यू नो लाइक ये रिश्ता तो हार्ट एंड सोल इट्स द पिलर ऑफ आई एम वेरी हैप्पी कि 2020 में हमने अच्छे शोज लेके आया ये रिश्ता कहलाता है रिश्ते प्यार के और फिर आइसिंग ऑन द केक आ गया अनुपमा सो कमबैक 2020 हैज बीन अ वेरी ब्लेस्ड शो फॉर ऑल ऑफ एब्सोल्युटली इट इज अ ब्लेसिंग दैट यू नो पीपल आर सो वरीड अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड despite that if they get like that half an hour of relief through the shows that 1 hour that DKP gives them that is such that's so much a blessing for us Definitely. I think yes look guys thank you. I know I think this is a sign ke Rajan blessed hai ke aaj hi ke din uska birthday bhi hai aur aaj hi ke din TRP 3.8 aayi hai which is the highest till date not that isse pehle high nahi aayi hum log we've been ruling the charts and God has been very kind मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हमारी वजह से हुआ है ऑडियंस हमारे लिए भगवान है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं इस बात की कि हमारा जो कंटेंट है वो इतना इंटरेस्टिंग रहे हमेशा ड्रामा इतना रहे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे क्योंकि जब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम चाहे कुछ भी कर लें कितने भी बड़े सेट लगा लें तब तक हमको वो सक्सेस कभी नहीं मिल सकती जब तक हम उनके दिल को ना छुएँ अपने कॉन्टेंट से और रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि इतने सारे वेब शोज़ इतना सारा टेलीविज़न इतने बड़े बड़े शोज़ इतने बड़े ग्लैमरस सेट्स ग्लैमरस आउटफिट्स ग्लैमरस पीपल उस पूरे रट में से निकल के एक ऐसा शो आया जो बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास सेटअप का है और मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है कॉन्टेंट इतना स्ट्रॉन्ग है उसका कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा देश है इतनी आबादी है 1.3 बिलियन और मुझे लगता है कि वो उस आबादी में सबसे बड़ा जो क्लास है जो सेक्ट है वो मिडिल क्लास है मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्शन है हमारा और हर मध्यम वर्गीय परिवार का हर मेंबर इस फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से आइडेंटिफाई करता है और वही वजह है कि आज ये शो इतना सक्सेसफुल हुआ है सिर्फ यहाँ नहीं हमारे जो हिंदुस्तान के लोग बाहर रहते हैं UK में USA में कैनेडा में दुबई में हर जगह वो शो उतना ही पसंद किया जा रहा है न्यूयॉर्क से फ़ोन्स आते हैं UK में नंबर वन चल रहा है तो उसकी वजह मैं खुद नहीं मानता हूँ मैं ये मानता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है महाकाल हैज़ ब्लेस्ड अस विद दिस कंटेंट विद द एंटायर टीम आई थिंक हर आदमी उतना ही ज़रूरी है एक शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा जो DOP है गुलशन शाह वो बहुत फैंटास्टिक काम करता है वो अगर ऐसा शूट नहीं करेगा तो शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हमारे डायरेक्टर्स हमारे टेक्नीशियन हमारे लाइट बॉय हम एक्टर्स हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से और जो कंटेंट है जो राइटर्स लिख रहे हैं वो इतना बढ़िया लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये पूरा उसी का रिज़ल्ट है कि हम सब अपनी एनर्जीज़ को लगा रहे हैं एक सक्सेसफुल शो देखिए राजन से मेरी करीब 20 साल पुरानी दोस्ती है और जब राजन डायरेक्ट करता था तब से मैं जानता हूँ उसे हमने साथ में काम किया है और इतने सालों के गैप के बाद अब मैं एज अ उसके साथ वो प्रोड्यूसर है और मैं एक्टर हूँ अगेन वी आर वर्किंग टुगेदर और मुझे लगता है राजन के दिमाग में भी यही बात थी कि मैं सुधांशु के साथ अगर काम करूँगा तो कुछ ऐसा करूँ जो हट के हो जो जो ऐसा हो जो जस्टिफाई हो और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो कास्टिंग है इस शो के लिए वो इतनी परफेक्ट रही है क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके ये बात बोली थी कि भाई दिस कैरेक्टर आई कांट इमेजिन एनीबडी एल्स ओनली इफ़ यू से येस देन आई विल गो हैड तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहानी सुनाई फिर जब कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर डेफिनेटली ट्रेंड सेटिंग बन सकता है क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं टेलीविजन और आई एम नॉट अ टेलीविजन फेस विच आई एक्सेप्ट द रियलिटी दैट आई एम नॉट अ टेलीविजन फेस तो मैं जब ये कैरेक्टर सुनने के बाद मैंने हाँ करी
मुझे पहले राजन ने एक डेढ़ महीने मेंटली प्रिपेयर किया कि ये अलग दुनिया है, ये डेली सोप की दुनिया है, तुझे बहुत चेंजेस करने होंगे अपने रूटीन में, लाइफ बदल जाएगी. एंड आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन वर्थ इट बिकॉज टुडे वी आर नंबर वन, वी हैव बीन नंबर वन. और ऑडियंस का हमें नंबर वन नंबर टू का उतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है. फ़र्क ये पड़ता है कि लोगों को हमारा जो कॉन्टेंट है वो कितना पसंद आ रहा है. नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट एज लॉन्ग एज पीपल गिव अस द लव दैट वी डिज़र्व, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है. इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ. उसकी वजह यह है कि पिछले 10-12 साल में सिनेरियो बहुत बदल गया. टेलीविज़न हैज़ बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टुडे बिकॉज इट्स देयर एवरी डे इन एवरीबडीज हाउस 24/7 365 डेज अ वीक अयर. और आज की डेट में वेदर इट इज़ अ सलमान खान और अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, फराह खान, रेमो डिसूजा, नेम द पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, दे आर डूइंग मोस्टली टेलीविजन, ओनली टेलीविजन एक्चुअली. दैट इज़ वाई देयर ब्रांडिंग इज सो स्ट्रॉन्ग टूडे बिकॉज यू आर देयर एवरी डे इन एवरीबडीज हाउस and they're watching you, so that love and affection and that response that you get from that kind of reach, you can't get it from any other medium. So that is the beauty of television. Today it is by far the most powerful medium that we have. The response is phenomenal. Actually, I would have never expected a response like this. I'm sure television actors are used to it because itna kaam kiya hai sabne. I have done some 40 odd films, feature films by now, and good, bad, ugly, all sorts of films I've done. Hindi, I've done Hollywood, I've done the biggest film ever made in this country called Robo 2.0. Itna kaam kiya, web pe itna kaam kar liya abhi pichle kuch samay mein. But jo response mujhe is show se mil raha hai, wo main compare bhi nahi kar sakta kisi bhi aur cheez se, because ye response is something else. This makes me feel like on top of the world. Character ko specifically itna hatred mil raha hai, वही प्यार इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज अगर इतना हेट नहीं करेंगे तो अनुपमा अनुपमा नहीं रह जाएगी. ना अनुपमा को सिंपैथी मिलेगी, ना वनराज को इतनी जो नफरत है, अगर वो नफरत नहीं मिलेगी तो अनुपमा अनुपमा नहीं रह सकती. सो द इंटायर थिंग फॉल्स फ्लैट अनलेस पीपल हेट वनराज सो मच, ओनली देन दे विल सिंपैथाइज विद अनुपमा. But how you tackle all that comments and all? I think I was initially it took a little time for me to adjust to it because there are so many things that I have to say in this show which I am not in real life. So it becomes very difficult for me to say. दो तीन बार मेरे डायरेक्टर से भी आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं इस बात पे कि मैं ये नहीं बोलूँगा because it just feels so wrong and so rude and we are not like that in real life. क्योंकि मैं अपनी real life में अगर मैं अपनी बीवी से ऐसे बात करूँगा तो शायद वो मुझे किक मार के बाहर निकाल देंगे घर से. तो आई कांट डू दैट एट होम. सो इट फील्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ इट्स अ डिफिकल्ट शो. इट्स अ वेरी थिन लाइन. इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, नाइदर ब्लैक नॉ वाइट. तो इट हैज़ बीन अ चैलेंज, बट फॉर एन एक्टर दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन, दैट इफ यू गेट टू प्ले अ कैरेक्टर विच गिव्स यू challenges you mentally and it challenges your creativity and your sensibilities. That is what it is. Fans se meri yahi request hai ki aap log jis tarah se show ko pyar dete hain usi tarah se pyar bana ke rakhiye. Aap logon ka pyar hi hamare liye bhagwan ka aashirwad hai, to please isi tarah se hum tak ye blessings aane dein, hamare show ko aur pyar dein. Hum apni taraf se koshish karenge ki hum aapko acche se acha content aur drama provide karte rahe taki aapka entertainment hota rahe. Aur Rajan ko main I would like to wish him a very very happy blessed birthday, or may God grant you all the happiness and health that you deserve, and may you be able to churn out this content, this kind of content forever and entertain the audience in the future. Hum bahut khush hai. Sabse pehle to Rajan ji aapko happy birthday, shubhkamnaye bahut bahut. Aap kaam mein hamesha vyast rahe, tandurasti mein swasth rahe और जीवन में मस्त रहे. और जो इतनी अच्छी टीआरपी आई है तो एक कलाकार को और क्या चाहिए. एक तो हमारे प्रोड्यूसर का बर्थडे और हम नंबर वन शो. वी आर वेरी हैप्पी. एक्चुअली पता नहीं कैसे ये सीरियल, जैसे कहते हैं ना कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा होता है जो कुछ अच्छा होने वाला होता है, इस तरह से ये शो मुझे मिला है. कोई एफर्ट नहीं किए थे मैंने, ना ऑडिशन के, ना कुछ, किसी को फ़ोन नहीं किया था कि कोई रोल हो तो मेरे लिए, बस ये शो मुझे मिल गया. और
जैसे जैसे सीन्स आते गए, लीला मेरा जो कैरेक्टर है उसमें मैं कैसे अंदर अंदर डूबती गई मुझे कुछ पता नहीं। या हमारे डायरेक्टर है रोमेश सर जी, आप भाई सुनंद सर जी, बहुत अच्छा हमसे काम करवाते हैं। और सबसे एकदम सच बात बोलूँ ना तो हमारे शो का हीरो हमारे राइटर हैं। बहुत सुंदर लिखाई, सीन्स इतने अच्छी तरह से लिख कर आते हैं ना, उसे हम चेंज करते हैं। सिर्फ हम अगर बोल भी जाए, कोई मैं क्यों, कोई एक्टर, कोई भी एक्टर हो, नॉन एक्टर भी अगर वो सीन को नरेट कर ले अच्छी तरह से, तो ये शो नंबर वन होने वाला। इतनी सुंदर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं जो अप्रोचेबल होते हैं, सेट पे आते हैं। बहुत बहुत शो मैंने किए जिसमें देखा है कि सेट पर कब साल में एक आध बार आते हैं, तो सर का है कि वो रोज़ हमें मिलते हैं। मिलने के बाद ना छोटे से छोटा कैरेक्टर हो ना, वो उनके पास जाके पूछता है कि अगर आगे मेरा क्या होगा, तो इतनी अच्छी तरह से वो स्टोरी नरेट करते कि अब आपका ये होने वाला है, आप ये कहोगे, तो एक जो सुकून मिलता है ना एक्टर को कि यस ये शो के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी मेरा कुछ आने वाला है। और इतनी सुंदर उनकी आंखों में ना वो छोटे बच्चे जो स्टोरी टेलिंग कहते हैं तो कैसे ऐसी चमक आ जाती है, चमक आ जाती है उनके, और वो इतनी अच्छे से नरेट करते हैं, तो उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ही इज़ ऑलवेज अप्रोचेबल फॉर एन एक्टर। हम काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कभी कभी चिढ़ भी जाते, फिर भी एक हमारा एक टाइम होता है जो हम छीन लेते हैं, और हम उसमें हम बहुत मस्ती करते हैं। खाने का हमारा टेबल सबका साथ में लगता है, सबको पता है एक दूसरे की पसंद क्या है, तो जब खाना हम घर पे भी बना दें तब थोड़ा बहुत और डब्बे में डालते हैं कि इसे पसंद है तो मैं लेकर जाऊँ। तो इस तरह से ना हम सबको पता है कि इसका इसे ये पसंद है, ये पसंद, और हम सब फूडी है। द बेस्ट थिंग इज सबको मीठा बहुत पसंद है, तो खाने के बाद भी हमारा एक होता है कि मीठा क्या है, मीठा क्या, सब एक दूसरे के डब्बे ऐसे वेट करते हैं कुछ तो निकलेगा, और निकलता भी है, तो रोज़ हम कुछ ना कुछ मीठा खाते हैं। तो हम मीठा खाते हैं शायद इसीलिए हमारा यहाँ का जो माहौल है वो भी मीठा है। राजन जी बस ऐसे ही हम पर आपका प्यार बना रहे, कृपा बनी रहे, और आप स्वस्थ रहो और बहुत बहुत इसी तरह बढ़िया शो देते रहो। और प्रेक्षकों को यही कहना, ऑडियंस को, कि आप हैं तो हम हैं। बस थैंक यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट से दैट हैप्पी हैप्पी बर्थडे राजन सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल शो जो कि आज नंबर वन चल रहा है, जो इतने हफ्तों से नंबर वन चल रहा है, और आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया 3.8 TRP। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राजन सर जिनका आज बर्थडे है, सो इट्स लाइक अ प्रेजेंट फॉर राजन सर। राजन सर इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, सो इट्स 100% श्योर दैट सारी अच्छी चीज़ें उनके साथ होगी, तो ये एक अच्छी चीज़ उनके बर्थडे पर हुई है। दैट इज द हाइएस्ट TRP फॉर द एंटायर टीम फॉर अनुपमा, दैट्स 3.8। So happy birthday first of all Rajan sir, thank you so much for giving us this wonderful show. It's just been a lovely journey from the day one, and thank you for giving me Nandini, and I would like to wish Rajan sir all the very best, sorry like the happiness from the entire world. Thank you so much, and yeah. So, you know, it was my dream to work with Rajan sir. Like, I've been, watching his shows since I was a child. I was a small kid when I used to watch first show Bidai with my entire family. So when I grew up and when I came to Mumbai, my first ever aim was to work with Rajan Shahi sir. So I met him 4 years back for a show, and that didn't work out because I was too young for that character. So right now when I met him for this show, he gave me this opportunity to play this character called Samar, which is very iconic and people are loving this character a lot everywhere. Just people are saying, beta ho to Samar jaisa. So ye identity mujhe sir ne di hai. And sir ki agar baat karu to sir puri team ko family ki tarah rakhte hain. Hum jab bhi milte hain sir se, sare team members from spot dada, from lightman to cameraman, everyone he treats like his family. Jo hota hai, problem hoti hai, lockdown mein bhi sir ne sabki bahut help ki. And I would just like to thank him for that great initiative. इनके जैसे producer बहुत कम है industry में, जो बाकी लोगों का ज़्यादा सोचते हो खुद का कम. So आप बहुत अच्छे human being है राजन सर, so आपके साथ सारी अच्छी चीज़ें होगी, मैं ये wish करता हूँ. Rajan sir is like, you know, I was a bit scared, you know, like at first, you know, he's such a big name, first of all, and I was grateful, and when I got to know that I'm going to be a part of this show, it was, you know, unbelievable. The first time I met him, he was so humble, so down to earth. I couldn't believe that, you know, koi itna ho sakta hai. And he is not just with us, he's with everyone, like it's like same. So I feel unke saath
सब कुछ इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स आई फील एंड द वे यू आर ऐसे कहते हैं कि जैसे आप रहते हो वैसे भगवान आपको ब्लेसिंग्स देते हैं सो या थैंक यू सो मच से दैट थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच राजन सर अगर राजन सर ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो हम लोग यहाँ होते नहीं हम लोग ये शो नहीं करते और हमें ये वो फीलिंग भी नहीं आती कि राइट नाउ वी आर लव्ड सो मच बाय द एंटायर कंट्री द एंटायर वर्ल्ड पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज आर आल्सो वाचिंग दिस शो एंड लाइक आई हैव बीन रिसीविंग ऑल द ग्रेट मैसेजेस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वाचिंग आवर शो एंड फॉर लविंग सो मच एंड राजन सर आई जस्ट विश दैट दुनिया में जितनी सारी अच्छी चीज़ें हो इतनी जितनी खुशियाँ हो सारी खुशियाँ आपको मिले बिकॉज यू डिज़र्व इट हैप्पी बर्थडे राजन सर Happy birthday, sir, and keep loving us, keep watching us, keep supporting us, and yeah, thank you.